अस्सलाम वालेकुम, आई मजीद अदन, वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, तो आज हम एक और टेक्निक डिस्कस करेंगे जो है माइक्रोमीट्री। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। माइक्रोमीट्री की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अगर इसकी क्या है, मेजरिंग द साइज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं माइक्रोस्कोप से, उसके बाद अगर हमने उनका साइज मेजर करना है या उनको मैग्निफिकेशन उनकी देखनी है, तो हम उसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं माइक्रोमीट्री। माइक्रोमीट्री में हम इस तरह से दो स्केल यूज करते हैं जिनमें हम आर्बिट्री स्केल और स्टेज स्केल यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोमीट्री पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम देख लें कि दो तरह की, जिस तरह मैंने आपको बताया, स्केल यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है आर्बिट्रेरी स्केल। ये जो आर्बिट्रेरी स्केल होता है, ये ज़्यादातर हम माइक्रोस्कोप की जो आई पीस होता है उसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है, वहाँ पे ये स्केल होता है, वहाँ से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हैं, जो आप स्टेज है वहाँ पे, जो भी आपने स्लाइड रखी है वहाँ से देखने के लिए। ठीक है, वहाँ का फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्बिट्रेरी स्केल लिया, उसको हम आई पीस ग्रेटी क्यूल भी बोलते हैं स्केल को। तो जहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं स्केल की जो हम यूनिट्स बोल रहे हैं, आई पीस यूनिट्स बोल रहे हैं, तो वो हमारे पास कितने हैं, 100। ठीक है, आपने माइक्रोस्कोप लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर आपने जो आई पीस है उसके अंदर आपने एक स्केल फिट किया। ठीक है, उस स्केल की मदद से आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो बिटवीन 40 to 60 था। ठीक है, जो भी आप किसी माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं स्लाइड पे, उसका साइज आया है बिटवीन 40 and 60। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो स्केल है, इसको हम बोलते हैं आई पीस यूनिट्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो आई पीस यूनिट्स हैं, ठीक है, ये हमने स्केल को दिया है, उसके बाद जो आप ऑब्जेक्ट का जो साइज देख रहे हैं वो आया है बिटवीन 40 and 60। तो यहाँ पे फिर उसका साइज कितना हुआ, 20 आई पीस यूनिट। इस हम यूनिट को लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से इस आई पीस यूनिट को कन्वर्ट करते हैं इनटू माइक्रोमीटर। ठीक है, जो हमने डिस्टेंस या जो हमने उसका जो साइज़ है जो मेजर करना है, उसके बाद हमारा ये तो हो गया आर्बिट्रेरी स्केल जो कि आई पीस में होता है। इस आई पीस को हमने कन्वर्ट करना है यूनिट्स को इनटू माइक्रोमीटर। इसके लिए हम एक और स्केल लेंगे, जो हम जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसके ऊपर जो हमारा एक आई पीस है, हमने इसको कैलिब्रेट करना है स्टेज स्केल से। ठीक है, अब आपका जो स्टेज है वहाँ पे आपने एक स्केल रखा, अब उस स्केल को और ये जो आपका आई पीस का जो है आई पीस ग्रेटिक्यूल जिसको आर्बिट्रेरी स्केल बोल रहे हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट का मतलब होता है कि दोनों स्केल्स को आपने अलाइन करना है। ये जो हम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी स्केल है। ठीक है, अब हमने एक स्टेज स्केल लेना है जिसको हमने इस स्केल के साथ कैलिब्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रॉ करें, जीरो से स्टार्ट करें और इसकी सारी हम लाइनिंग करें और यहाँ पे कुछ इस तरह से 0.1, इस तरह से सारी कैलिब्रेशन करके हमारे 0.2 और यहाँ पे जहाँ पे 100 था वहाँ पे इसकी कोई वैल्यू है हमारे पास 0.25। ठीक है, ये जो नीचे वाला स्केल था ये आपने कैलिब्रेट किया टू दी आई पीस या आर्बिट्रेरी 100 यूनिट्स है जिसके, वो हमारे पास आर्बिट्रेरी स्केल है, और जो हमने स्टेज स्केल यूज़ किया उसके पास वो हमारा जो कैलिब्रेट किया तो हमारे पास 0.25 मिलीमीटर तक आया। ये जो हमारे पास है ये मिलीमीटर में है, लेकिन हमारे पास जो यूनिट हमें आंसर चाहिए वो किसमें चाहिए, माइक्रोमीटर में। सबसे पहले अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें कि ये जो हमारे पास आर्बिट्रेरी स्केल है, आई पीस का जो हमारे पास था आर्बिट्रेरी स्केल, उसके जो हमारे पास यूनिट्स थे वो कितने हैं, 100। ठीक है, ये जो 100 यूनिट्स हैं वो हमारे किसके इक्वल हैं, हमारे पास 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो हमारा आर्बिट्रेरी स्केल था उसको हमने जब कैलिब्रेट किया स्टेज स्केल से, तो उसका जीरो और यहाँ पे जो 100 था आर्बिट्रेरी का, वो इक्वल था 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 100 आई पीस यूनिट्स हैं वो किसके इक्वल हो गए हैं, 0.2 मिलीमीटर के। ठीक है, अगर 100 यूनिट 0.25 मिलीमीटर के हैं तो जो 1 आई पीस यूनिट होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास होगा 1/100। ठीक है, 1/100 इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। अगर हम इसको आंसर लें तो हमारे पास क्या आता है, 0.0025 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 आई पीस यूनिट। लेकिन हमने जो
आर्बिट्रेरी स्केल से देखा था, तो जो ऑब्जेक्ट हमने देखा उसके हमारे पास कितने आईपीएस यूनिट थे, 20 आईपीएस यूनिट। अब हमने हमारे पास 1 आईपीएस जो यूनिट है वो 0.0025 के इक्वल है। तो अब हमने जो 20 आईपीएस यूनिट जो हमारा साइज है उसको कन्वर्ट करा है, ठीक है, हमारे पास 1 आईपीएस यूनिट आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 20 और जो हमारे जो ऑब्जेक्ट था जो हम देख रहे थे उसका हमें साइज मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने जो यूनिट है हमारे पास क्या है, मिलीमीटर, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर में। तो अगर हम इसे माइक्रोमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.025 इंटू 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर में आ गया। तो अब हम जो हमारे पास 20 आईपीएस यूनिट थे ऑब्जेक्ट के, तो हम उसका ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो देखते हैं। तो हमारे पास कितने थे, 20 आईपीएस यूनिट्स, ठीक है, 20 आईपीएस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2.5 माइक्रोमीटर, तो हमारे पास उसमें आंसर क्या आएगा, 50 माइक्रोमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे, उसका माइक्रोस्कोप से हमने जब साइज देखा तो हमारे पास साइज क्या आया, 50 माइक्रोमीटर। ये बात आपको समझ आई कि जब हम किसी आर्बिट्रेरी स्केल से किसी ऑब्जेक्ट का साइज देख रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास जो उसका साइज आया था, फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 आईपीएस यूनिट्स आया था, जब वो 20 आईपीएस यूनिट्स आ गया था उसके बाद फिर हमने एक स्टेट स्केल यूज किया और फिर हमने उस स्टेट स्केल को आर्बिट्रेरी स्केल्स के साथ कैलिब्रेट किया, उनको अलाइन किया। हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि जब हमने उनको अलाइन किया तो हमारा स्टेज स्केल का जो 0.25 मिलीमीटर था वो 100 आईपीएस यूनिट्स के इक्वल आ रहा था। तो हमने क्या किया कि 100 आईपीएस यूनिट्स को इज इक्वल टू कर दिया 0.25 जो स्टेज स्केल का आ रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें से 100 में से 1 आईपीएस यूनिट की वैल्यू निकाल ली, वो मिलीमीटर में थी, हमने उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया और उस माइक्रोमीटर जो हमारी वैल्यू आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद 20 आईपीएस यूनिट जो हमारा साइज आया था। इस तरीके से हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या आया, 50 माइक्रोमीटर। तो इस तरह से हम ये वाली टेक्निक यूज करके जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका साइज हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड हम दो एमसीक्यूज भी अगर डिस्कस करते चलें, तो व्हाट इज द कैलिब्रेटेड इन द कैलिब्रेशन प्रोसेस ऑफ माइक्रोमीट्री इन माइक्रोस्कोपी। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास टेम्परेचर, दूसरा है साइज, अलाइनमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप स्केल आर रेटिकल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, किसको हम कैलिब्रेट करते हैं, स्केल्स को, स्केल्स आर रेटिकल, उन स्केल्स को हम कैलिब्रेट करते हैं, फिर हम उनके आईपी यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू स्केल यूनिट। सेकेंड हमारे पास है ऑब्जेक्टिव माइक्रोमीट्री इन्वॉल्व मेरी। हमने देखा कि हमने दो तरह के माइक्रोमीट्री यूज किए थे, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा हमने जो दिया था वो स्केल था, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव माइक्रोमीट्री मतलब जो हमने स्केल था वो आई पीस के माइक्रोस्कोप में था। तो इसका राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ स्पेसिमन, साइज ऑफ इंटायर फील्ड, या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टेंस विद इन द फील्ड ऑफ व्यू, या फोर्थ हमारे पास क्या है, थिकनेस ऑफ द माइक्रोस्कोप स्लाइड। तो ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोपी से हम क्या मेजर करते हैं, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन द फील्ड ऑफ व्यू, उस आई पीस से जितना आपको वो एरिया नजर आ रहा होगा वहाँ पे आप उसका साइज मेजर करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर जिसमें हमने आज माइक्रोमीट्री की टेक्निक को डिस्कस किया कि किस तरह से हम आर्बिट्रेरी स्केल और स्टेज स्केल को यूज करके उन दोनों को कैलिब्रेट करके किसी भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का साइज मेजर करते हैं। आप हमें फेसबुक के पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।